मित्रों नमस्कार। मित्रों में आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों आज मैं चर्चा करने के लाया हूँ क्रेडिट स्कोर के ऊपर और स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल मनी मंत्रा पे। दोस्तों आज जानेंगे क्रेडिट स्कोर और इसके फायदे, कैसे कर सकते हैं इसकी में सुधार और क्रेडिट स्कोर का आपके वित्तीय लेन देन पे क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम हमेशा सुनते हैं कि क्रेडिट स्कोर खराब होने पर बैंक या फिर कोई भी वित्तीय संस्थान आपको ऋण नहीं देती है। लोन किसी भी इंसान की क्रेडिट काबिलियत को आधार पर मिलता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा नाम है सिबिल, आपको 300 से 900 के बीच में आंकड़े देता है, अंकों के बीच में एक स्कोर प्रदान करता है। ये इस आधार पर तय होता है कि आपका पहले का क्रेडिट कार्ड उपयोग कितना है, आप अपना बैंक खाता कैसे रखते हैं, कोई चेक तो बाउंस नहीं हुआ है, मौजूदा लोन की स्थिति क्या है, बिना इंश्योरेंस के मौजूदा लोन है या नहीं, लोन के रीपेमेंट और आपने कितनी बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन दिया है। तो ये बहुत सारा फैक्टर होता है आपके क्रेडिट स्कोर को कम करने और ज्यादा करने के लिए। क्रेडिट स्कोर जानने के लिए कितना भरना होता है भुगतान, दोस्तों क्रेडिट स्कोर को आप बोलचाल की भाषा में सिबिल स्कोर भी कहते हैं। भारत में इसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया सिबिल ने सबसे पहले इसे जारी करना शुरू किया था। शुरुआत में इसको लेने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब आपको फ्री में मिलता है। अब बात आती है कैसे सुधारे अपना सिबिल स्कोर। सिबिल रिपोर्ट सुधारने के लिए समय पर अपने बिलों का भुगतान करें। वक्त पर कर चुकाने से सिबिल रिपोर्ट में सुधार देखने को मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट और बकाया रकम को कम रखना चाहिए और ज्यादा लोन न ले। होम लोन, ऑटो लोन जैसे सुरक्षित लोन को ज्यादा अहमियत दें और असुरक्षित कर्ज लेने से बचे। नियमित रूप से अपने संयुक्त बैंक खातों सिबिल स्कोर की सुरक्षा करते हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि कैसे तय होती है सिबिल स्कोर के हिसाब से ब्याज दर। दोस्तों क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया सिबिल द्वारा दिए गए स्कोर के हिसाब से लोन की ईएमआई तय होती है। मान लीजिए आपको किसी बैंक में होम लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है और बैंक की ब्याज दर 8.35% है, तो आपका अगर स्कोर 760 पॉइंट से ऊपर है तो आपको 8.35% पर ब्याज दर पर आपको होम लोन मिलेगा। 725 से 559 पॉइंट होने पर 8.85% से और 724 से नीचे की पॉइंट पर आपको 9.35% ब्याज दर के हिसाब से लोन देना होगा। आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी प्रकार का कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है तो बैंक आपसे 8.85% की दर से ब्याज चार्ज करेगा। तो दोस्तों ये हमने क्रेडिट स्कोर के ऊपर आपसे चर्चा करें। अगर आपको हमारा वीडियो ज्ञानवर्धक लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें, कमेंट करें और पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।